हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पांच ऐसे गैजेट्स देखेंगे जो 500 रुपये में ही मिल जाते हैं और जो काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। उनमें से कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो गैजेट है वो आप देख सकते हैं, एक स्टैंड है, मोबाइल होल्डर और टैबलेट होल्डर। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसमें हमें एक स्टैंड मिल जाता है जो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस तरह से भी आप रख सकते हैं और इस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं, इसको कितना भी ऐसे उठा सकते हैं और इसको आप घुमा भी सकते हैं किसी भी तरह। तो आप अपना फ़ोन और टैबलेट बहुत आसानी से इस पे रख सकते हैं और ये टिक भी बहुत अच्छे से जाएगा, मजबूत भी है। अगर आप स्टडी के लिए लेना चाहते हैं, स्टडी यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और ऑफिशियल यूज़ के लिए भी आप इसको ले सकते हैं। इसको मैंने 150 रुपये में लोकल मार्केट से ख़रीदा है, आप भी अगर चाहें तो खरीद सकते हैं। 150 रुपये के हिसाब से देखें तो अच्छा है, लेकिन अगर 500 रुपये में या आपको ऑनलाइन 400-500 रुपये में दिखेगा, अगर 500 रुपये ऑनलाइन दिखता है तो मत लीजिएगा। सेकेंड जो गैजेट है वो आप देख सकते हैं, ये है राइटिंग टैब, LCD राइटिंग टैब। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक सेल डल जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पे इसकी पेन लगी होती है, ये पेन आप निकाल सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं ये आप इस तरह से आप इस पर लिख सकते हैं। तो जितनी भी बार आप इस पर लिखना चाहें लिख सकते हैं और एक बटन दबाते ही ये पूरा ब्लैंक हो जाता है। और इस पर पीछे से आप लॉक भी लगा सकते हैं, यहाँ पीछे एक बटन दी हुई है, जैसे इसको आप कुछ भी लिखते हैं, मान लीजिए कुछ लिखा आपने और ये बटन दबाते हैं तो क्लियर हो जाता है। अगर आप इसको पीछे से लॉक कर दें तो आप बटन दबाते रहेंगे लेकिन ये डिलीट नहीं होगा, तो आप फिर से इसको अनलॉक कर सकते हैं और बटन दबाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये किन के लिए यूज़फुल है, अगर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं तो उनके लिए यूज़फुल है, और अगर घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनको पेंसिल पकड़ना अभी नहीं आता है तो उनको आप ये दे सकते हैं, जिससे वो पेंसिल पकड़ना सीख सकते हैं और लिखना सीख सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा जो पेपर का वेस्टेज होता है वो नहीं होगा। तो ड्राॅइंग वगैरह के लिए भी आप इसको ले सकते हैं क्योंकि ये प्रेशर सेंसिटिव है, तो जितना कम प्रेशर आप लगाएंगे उतना ज़्यादा ये हल्का चलेगा और जितना ज़्यादा आप प्रेशर इस पर लगाते हैं उतना ज़्यादा उतना मोटा ये लिखेगा। तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं ड्राइंग के लिए भी। बात करेंगे इसके प्राइस की, तो मुझे ये लगभग 150 रुपये का मिला है ओपन मार्केट से, लोकल मार्केट से। तो अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो एक बार लोकल मार्केट में देख सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी आपको 200-250 रुपये में ये मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। ये यूज़फुल गैजेट है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट गैजेट है वो है, देख सकते हैं, स्टार डेकोरेशन लैम्प है। इसको स्टार डेकोरेशन लैम्प बोला गया है लेकिन है ये लेज़र लाइट टाइप का, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सिंपल सी पैकेजिंग है इसकी, इस तरह से ये बाहर आ जाता है। और इसके प्राइस की बात करें अगर तो ये आपको लगभग 150-150 रुपये में मिल जाएगा, और इसमें आगे लेज़र लगा हुआ है कुछ इस तरह से है और ये किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मोड़ सकते हैं। तो ऊपर जो ये लगा हुआ है ये घूमता है, जिसके इसके जो इफ़ेक्ट है लेज़र का उसको आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, चार्जर में, पावर बैंक में या अपने फोर व्हीलर में आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का ये आपको लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको लगने वाला है और इस तरह से गोल गोल घुमा के आप इसकी जो डिज़ाइन है उसको चेंज कर सकते हैं। और ये अपने आप नहीं घूमता है, इसको आपको घुमाना पड़ता है ऊपर, और जहाँ पर आप छोड़ देंगे वहीं पर ये फिक्स हो जाएगा। तो अगर आप रात में यूज़ करना चाहते हैं, रात में नाइट लैम्प की तरह यूज़ कर सकते हैं, छत पर लगा सकते हैं या आप इसको अपने फोर व्हीलर में यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़फुल गैजेट है, अगर 150 रुपये के हिसाब से देखें तो आप इसको ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। लोकल मार्केट में ये बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मैंने दे रखी है। नेक्स्ट हमारा गैजेट है वो आप देख सकते हैं, ये है मिनी स्पीकर, काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये, तो इसको आज हम देखेंगे और चलिए आपको दिखाते हैं। और काफ़ी सारे ब्रांड ये बनाता है तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने इसको लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं ये मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर हमको रखा हुआ मिलता है हमारा मिनी स्पीकर। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से, इतना छोटा सा है, देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छा है ये। और यहाँ पीछे हमें चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, तो चलिए देखते हैं। और यहीं पीछे इसकी बटन भी दे रखी है जिसको प्रेस करके आप इसको ऑन कर सकते हैं। और इसमें हमें मिल जाता है एक स्ट्रैप जिससे आप इसको लगा सकते हैं, और एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है, और एक यूज़र मैनुअल भी है इसमें दे रखा है छोटा सा। इसको ऑन करने के लिए जस्ट आपको इसके पीछे जो बटन है उसको देर तक टैप करना है। वेलकम टू टाइगर म्यूजिक वर्ल्ड, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाउड है ये। देख सकते हैं Thank you.
तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लाउड है ये, और इसमें इसका बैटरी बैकअप ऐसा बताया गया है कि लगभग 3 घंटे ये चल जाएगा, 2.5 से 3 घंटे ये चल जाएगा। अगर 80% के ऊपर आप वॉल्यूम करते हैं इसका तो आपको लगेगा कि हाँ आवाज़ फट रही है, अगर आप कहीं गलती से 90% कर लेते हैं तो कुछ ज़्यादा ही फट जाती है। हो सकता है ये लोकल मार्केट से लिया गया हो, कोई लोकल ब्रांड है इसीलिए ऐसा हो रहा हो। अगर आप चाहें तो आप किसी अच्छे ब्रांड का भी ले सकते हैं, ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगा। बात करेंगे इसके प्राइस की, तो ये मुझे 400 रुपये का लगभग देखने को मिला है, तो आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। 350 से 400 रुपये के देखने को मिल जाता है लोकल मार्केट में। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन भी लगभग आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन, तो वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है, छोटा सा है, मिनी है, तो आप पॉकेट वगैरह में कैरी कर सकते हैं, कहीं ट्रेवल के लिए यूज़ करना चाहें तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बस जो नेक्स्ट हमारा गैजेट है वो है मल्टीपर्पज़ टूल, ये देख सकते हैं। ये मुझे ऑनलाइन मैंने खरीदा है, 90 रुपये का मिला है, और ये देख सकते हैं कुछ ऐसा ही आया था, इसके ऊपर एक पॉलीथीन की रैप था बस, तो देख सकते हैं कुछ ऐसा था। और यहाँ पर ये हमें अपना टूल मिल जाता है, मल्टीपर्पज़ टूल, और यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल दिया गया है कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और किस किस काम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ से हमको नाइफ एक मिल जाता है जो काफ़ी शार्प है, और यहाँ से आप बॉटल वगैरह ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से आप एंगल देख सकते हैं, यहाँ से भी आप कुछ टाइट वगैरह कर सकते हैं, और यहाँ पे इसके स्क्रू ड्राइवर दे रखा है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे ये, अगर आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे ये यूज़फुल नहीं लगा है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए।